भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक विधान परिषद के रूप में मैं छोटा सा एक सिपाही के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। आपको पार्टी मौका देगी, आज वह दिन अनिल शर्मा जी के लिए भी आया है। विधान परिषद में जो पेच की बात कही जा रही थी वो सुलझ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के जो नाम है उसकी घोषणा की है। हमारे साथ अनिल शर्मा हैं। अनिल शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस हो रहा है, एक कार्यकर्ता को पर बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा विश्वास आपकी पार्टी ने दिखाया? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करके हमको विधान परिषद में भेजने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से पार्टी के प्रति और जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं पूरे बिहार में उनके प्रति मैं निष्ठामान होकर काम करूंगा। पार्टी के कई पदों पर आप रहे, आप संगठन का काम देख रहे थे, अब नई जिम्मेदारी है, क्या नया कुछ कीजिएगा पार्टी के लिए? देखिए, मैं लंबे समय से पिछले 30 वर्षों से ऊपर से मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नई जिम्मेवारी दी है तो निश्चित रूप से मेरे लिए नया एक काम है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नया जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाला है, मैं निश्चित रूप से आप सब पूरे कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनका सम्मान और स्वाभिमान विधान परिषद में बढ़ाने का काम करूंगा। कार्यकर्ताओं को तवज्जो बीजेपी ने देना शुरू किया, अब राष्ट्रीय जनता दल दे रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अब दे रही है और गलती से दे रही है। वो परिवार के लिए प्रति लॉयल थे, इसके लिए दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम करते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिनिधि बनाता है, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, विधान परिषद में। उसी में एक विधान परिषद के रूप में मैं छोटा सा एक सिपाही के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। संतोष रंजन राय जी, संगठन का काम आप देख रहे हैं, पार्टी का कितना आज गौरव वाला दिन है पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, खास करके हमारे मगध रेंज के कार्यकर्ता जो आज खुश होंगे, इनके लंबे समय से काम करते हुए अनिल भैया को हम लोगों ने देखा है, पूरे शाहबाद पूरे मगध रेंज के आज कार्यकर्ता गौरवान्वित होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अगर काम करते हैं, आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो आपको पार्टी मौका देगी, आज वह दिन अनिल शर्मा जी के लिए भी आया है। हम सब गौरवान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही था वो विधान परिषद में चुन के जाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, सवर्ण की नाराजगी की बात कही जा रही थी, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि ये दाग है या फिर बीजेपी शुरू से सब जात के लिए सब धर्म के लिए करते आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब जात की पार्टी है, अगड़ा पिछड़ा दलित जितनी भी जातियाँ हैं सबका पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, जितने भी लोग हैं, किस समाज के लोग हमारे विधायक नहीं हैं, किस समाज के लोग हमारे MLA नहीं हैं, किस समाज के लोग MP नहीं हैं? कुछ लोग जाति का पार्टी हो सकते हैं, कुछ लोग किसी जाति या एक संप्रदाय का पार्टी अपने आप को मुहर पीठ के ऊपर दिलवा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी है पूरे देश में जो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, यानी पूरे समाज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक पार्टी है जो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में रात दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा, और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को जब कोई सम्मान देता है तो वो सम्मान पार्टी के लिए बहुत बड़ा होता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे, ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।